everybody. College, college life, teenagers, जिंदगी के वो साल जब इंसान बहुत ही केयरफ्री होता है और अगर उसके दिमाग में कोई चीज होती है तो सिर्फ और सिर्फ करियर और कुछ कर दिखाने का जुनून, कुछ बनने का जुनून। ऐसा ही जुनून प्रिंस में भी था। प्रिंस वॉज पैशनेट, प्रिंस वॉज पॉपुलर, प्रिंस वॉज टैलेंटेड, लड़कियों के दिलों का हार्टथ्रोब था वो। बट उसके दिल में चाह थी कुछ और करने की। ही वॉन्टेड टू अचीव मच मोर। वो एक सिंगिंग सेंसेशन बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू अचीव हाइट्स, आसमानों को छूना चाहता था। लेकिन श्रीनीता के उसकी लाइफ में आने के बाद थिंग्स हैपन टू चेंज एंड हाउ ये हम आपको दिखाएंगे ओनली ऑन ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिक पावर्ड बाय नोकिया लुमिया 630। लेट्स हैव अ लुक। गाता है यार, मेरे परमीत नु कॉम्प्लेक्स है इससे। कॉलेज का नाम रोशन किया है इस मुंडे ने। एटीट्यूड तो देख, आज तो इसे फ्रेंडशिप बैंड पहना के ही रहूंगी। आज वीडियो एल्बम बनाया यार, कल टीवी पे छा जाएगा। परसों बॉलीवुड लाइव सेट है यार। प्रिंस तेरी वीडियो ने कमाल कर दिया। आप जल्दी कीजिए ना, मुझे प्रिंस को फ्रेंडशिप बैंड बांधना पड़ेगा, वो निकल जाएगा। मुझे अपने कंप्यूटर में घुस जाऊं, हौसला करो, दो मिनट चेक कर रहा हूँ। श्रीनीता नैयर? नैयर नहीं, नायर। नायर मुझे की फर्क पड़ता है, सब एक जैसे होते हैं, नैयर हो या नायर। छोड़ नायर, क्यों बहस कर रही है, मेरा प्रिंस निकल जाएगा। अरे मुझे या मेरे नाम की पड़ी हो तो जो प्रिंस की पड़ी है। कम ऑन राधिका यार, कॉल मी डैड्स। तो मैं कह रही हूँ कॉल मी नायर, NAIR, नॉट नायर। एप्लीकेशन डाल दिया जी, कल लेके जाना। एक तो आंसर इतने स्लो, ऊपर से तुमसे लड़ रही है। अरे मतलब तेरे पल्ले कोई बात नहीं पड़ी क्या? मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुंबई में एडमिशन ले लेना चाहिए था। सीरियसली पागल हो गई है क्या? मुंबई इस कॉलेज में तुझे वो नहीं मिलेगा जो यहाँ है। व्हाट? प्रिंस, प्रिंस चार्मिंग, तू नहीं समझी। अब खड़े क्या, निकल जाएगा वो जल्दी। चल एक बार देख ले मुझे, तो बाय गॉड इंप्रेस ही हो जाना है। दिखा क्या तुझे? अरे दिख ही तो नहीं रहा, कहाँ चला गया मेरा प्रिंस? नाइस कैंटीन यार। क्या नाइस, मेरा प्रिंस निकल गया। अब हमें घर निकलना होगा। हाँ कल सारे एडमिशन फॉर्म्स कलेक्ट करके सबमिट करने हैं हमको। तू जा, मैं यहीं पे बैठी हूँ। पर अभी तेरी तो क्लास भी नहीं है। क्लास? क्लास तो ऊपर वाले ले रहे हैं मेरी। प्रिंस को बस ढूंढना है मुझे। तो तू यहाँ पे क्लास के लिए नहीं, उस लड़के के लिए वेट कर रही है। तो लाइफ को क्लियर एजेंडा है मेरा प्रिंस। अच्छा एनीवे मैं जा रही हूँ, बट प्लीज तू कुछ खा लेना। ओके? नहीं, मुझे सिर्फ मिशन पे टॉप प्रिंस पे ध्यान देना है। आ गई ड्रामा क्वीन। ये कौन है? आयशा, प्रिंस की होने वाली एक्स गर्लफ्रेंड। मतलब? आयशा नाम है इसका। लाइमलाइट में आने के लिए ना करना पड़ता है यार ये सब। वैसे लड़की तो प्रिटी है, गर्लफ्रेंड भी तो हो सकती है उसकी। हेलो, कोई नहीं मानता। ओ यू मीन लड़कियां नहीं मानती है, राइट? सच हो तभी तो कोई माने। मे बी यू आर राइट। यू नो इन सेलेब्स की लाइफ में क्या सच है क्या झूठ है इन्हें खुद को भी नहीं पता होगा। प्रिंस देख, प्रिंस आ गया। प्रिंस राधिका, प्रिंस को वीडियो वाला स्नैप करके दिखाओ ना जो तुमने आयशा के साथ किया था। म्यूजिक right.
जाओ जल्दी पकाओ। फिर से गायब। अरे डबल पैसे दूंगा भगाओ। हेलो। हाय। हेलो। व्हाट 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 भैया ऑटो रोको। अरे नहीं नहीं भगाओ। उतरो यहाँ से। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? इंटरनेट इन सब की खबर है ना तुम्हें? एक्सक्यूज मी, सबकी खबर है पर तुम लोगों की खबर रखना ना मुझे नॉलेज नहीं, मुझे बेवकूफी लगती है, इसलिए प्लीज गिव मी अ ब्रेक। एंड ऑल्सो इंटरनेट पे फेसबुक पे देयर थाउजेंड अदर बेटर थिंग्स टू वॉच। तुम्हारा मतलब है कि वो सास बहू वाली सीरीज जहाँ पे लोगों ने नकली आंसुओं के साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है? Really? Yeah, really. बट ये सास बहू वाले जो सीरियल होते हैं ना उसमें एटलीस्ट ये लोग मानते हैं कि वो लोग फेक हैं। तुम लोग सो कॉल्ड स्टार्स अपनी फेकनेस को असलियत बना के लोगों के सामने पेश करते हो उनको उल्लू बनाने के लिए। हाउ ग्रेट इज दैट? यू नो व्हाट यू नीड? अ साइकियाट्रिस्ट। क्योंकि नॉर्मल बंदियां ना ऐसे बात नहीं करती। राइट। नॉर्मल बंदियां कैसे बात करती है? प्रिंस प्लीज गिव मी एन ऑटोग्राफ, आई एम योर फैन, आई लव यू। मिलिट्री रोड लो भैया, लेफ्ट लो यहाँ से। अरे राइट लो। अरे भैया इस ऑटो में पहले मैं बैठी थी। तो एक्सक्यूज मी मिस, मुझे मेरा नाम बताने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ पर प्रिंस, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का शौक है तुम्हें। एक फैन को धक्का मार दिया, वो भी एक लड़की। अच्छा आपको वो दिखाई दिया, ये नहीं दिखाई दिया कैसे वो मुझे च्युइंगम की तरह चबा रही थी? आई अंडरस्टैंड यार, पर वो एक लड़की है और तू यू आर अ टीन सेंसेशन, अपनी इमेज का ध्यान रखना पड़ता है यार। What nonsense, अगर वो ऐसे रिएक्ट करेगी तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूंगा ना। यार वो तेरे ऊपर उछली, पर मीडिया वाले कैसे इस खबर को उछाल रहे हैं? देख इंटरनेट लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तेरी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रिंस रूड है, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी मीडिया आएगी तेरे घर पे, वो भी कैमरा लेके। मेरी बात सुन, तू अब घर नहीं जाएगा, ऐसी जगह मत जाना जहाँ मीडिया को तेरे आने का अंदाजा हो, समझा? अच्छा ठीक है, पर मैं जाऊँ कहाँ? हेलो भैया, सेक्टर 20 ही ले लो। तुम सेलेब्स की लाइफ भी ना यार, मतलब अपने ही घर नहीं जा सकते हो। वाओ। एक तो मैं पहले तुम्हें घर ड्रॉप करूं, ऊपर से तुम। एक्सक्यूज मी, तुम ये झूठ ना अपने फैंस तक ही रखना प्लीज। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम फोन पे बात करो तो उसकी वॉल्यूम जरा कम कर लेना। ओह, मतलब तुमने सब सुन लिया? हाँ तो सुन लिया, तो पता है ना मैं घर नहीं जा सकता हूँ। चलो सेक्टर 20 चलो। अनबिलीवेबल। कितना हुआ? ये लो। It's alright. Keep your share, man. Nayers. South Indian, right? Not bad. You know, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरा नाम सही प्रोनाउंस किया है। There's blood. Mad fans, I'm telling you. वो लड़की मिल गई ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ओके फैंस। अरे अंदर तो बुला ले, बहुत भूख लगी है। अंदर आना है? हाँ अब। थैंक्स बट नो थैंक्स। ओके मैडम, एक बार और तो पूछ लेती। अंदर आना है तो आओ। आ गई पुत्र, कैसा रहा पहला दिन? ए सोना घबरू कौन है? प्रिंस, ये मेरे कॉलेज में है दादी। बेबे परिपणा, बेबे परिपणा। जिंदर है पुत्र, बहुत चंगा किता कि तू इसको घर ले आया। बेबे ये तो मेरा फर्ज था। एना सोना मुंडा है। बेबे तू भी बड़ी सोनी पंजाबी बोल रहे हो। हाँ दादी पंजाबी है और मेरे दादाजी साउथ इंडियन। वो कहने को साउथ इंडियन थे, वो बड़े उच्चे लम्बे तगड़े गोरे चिट्टे पंजाब के रजनी थे वो। रजनी? हाँ। अरे उस जमाने में भी हमारी लव मैरिज हुई थी। सच्ची? की कह रहे हो बेबे? सच्ची। अरे वो तो फैक्ट्री देखने आए थे और उन्होंने मुझे देखा और वो टी बना लिया, ब्याह कर लिया। अरे उनका तो मानना था कि जनानियां ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, सब कुछ अपना छोड़ कर आए। आओ दादी, दादाजी तो बड़े प्रोग्रेसिव थे। मेरे दादाजी बड़ी इनसिक्योर होती है आपकी। पर बेबे एक बात कहूं,
आपकी लव स्टोरी ना दिल छू गई। क्योंकि सच्ची है। तुमने बहुत ही अच्छा किया जो यहाँ आकर अच्छा दोस्त बना लिया। दोस्त दोस्त नहीं है हम दादी। दोस्त नहीं है दादी, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। अच्छा दादी, आपने मुझे दादाजी के बारे में इतनी सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? अरे पुत्र, तू मेरे पास रही कब है? तेरे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? तू हमेशा मुंबई में बिजी रहती है, अब तू मेरे पास आई है अपनी बहन के पास, पड़ेगी यहाँ रहकर, फिर मैं तेरे को सारी बातें बता दूंगी मेरी प्यारी श्रीनिता। श्रीनिता, सेनोरिटा, अब तुम दोनों यहाँ बैठ के गप्पे शप्पे मारो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। दादी चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। चलो लेके आती हूँ। मैं भी आई। थोड़ा सा और लेके आती हूँ, तू खा तू खा। Are you okay? हाँ, बस सब। बस तेरी बेबी को देखे मॉम डैड की याद आ गई। वैसे नॉर्मली लोग अच्छे ही होते हैं, बट तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। सैडली तुम ऐसे फेक लोग। एक एक मिनट, ये क्या फेक फेक लगा रखा है तुमने? जानती क्या हो मेरे बारे में? ये ओपिनियन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं फेक हूँ? किथे जा रहे हैं? ऐसा कुछ खा के जाना है? बगैर खाए मैं तेनु किते नहीं जान देना। देखो मैं आराम करने जा रही हूँ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। ले पकड़ पकड़, पी पी, सब कुछ पी के सब कुछ खा के जाना है। ध्यान रखना, बगैर खिलाए पिलाए बिल्कुल जान नहीं देना। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो मुझे बोल दो, मैं चला जाऊंगा। ऐसे टॉर्चर क्यों कर रही हो? वैसे भी मेरे घर के बाहर भी प्रेस वाले नहीं होंगे। ठीक है, जाना है तो जाओ। मैं जा रहा हूँ। ये रहा दरवाजा। ओके मैं चला जाऊंगा। ओके मैं, अच्छा एक एक ग्लास पानी मिलेगा जाने से पहले? ग्लास, फिर मैं पक्का अभी आऊं। ओके मीडिया वाले खड़े हुए, पर प्रिंस तो यहाँ पर। यहाँ यहाँ खलबली मची हुई है। प्रेस वाले ने ठान लिया कि प्रिंस से मुझे माफी मंगवा कर ही रहेंगे वो। राधिका तू एक काम कर, तू घर आ जा। अरे देखा क्यों देखा, 5,000 लोगों ने देखा है एक घंटे में। सोच प्रिंस मुझसे माफी मांगेगा और मैं थोड़ा भाव खाऊंगी और उसको स्वीटली माफ कर दूंगी और मेरे इंप्रेशन सेट। प्रिंस तुझे सॉरी बोलेगा? अरे उसने मुझे धक्का जो दिया था। अगर उसने प्रेस के सामने तुझसे और रूडली बात करी तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। अच्छा सुन, दादी से कहते ना मैं ग्रुप स्टडीज के लिए शीतल के घर जा रही हूँ। अच्छा चल चल बाय। वो राधिका थी? राधिका ने इतनी जोर से प्रिंस को, नहीं अभी बताऊंगी तो और चिढ़ेगा राधिका से। तुम्हें अभी घर नहीं जाना चाहिए, प्रेस और तुम्हारे फैंस अभी भी वहीं पर है। थैंक गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछूं यहां रुकने के लिए। एक मिनट, प्रेस और फैंस मेरे घर के बाहर अब भी हैं, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरी बहन तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। असली नकली की समझ नहीं उसे, बच्चे अभी वो। ऑफ कोर्स सिर्फ इमेच्योर और बेवकूफ लोग ही तो मेरे फैंस। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। एक पागल लड़की ने मुझे यहाँ पे खरोच दिया, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे घर पे। नहीं, गलती मेरी है क्योंकि मैं सेलेब हूँ, राइट? अंदर आओ। कमरे के अंदर? हाँ, मुझे कुछ बताना है। Come.
या आई नो तुम क्या कहोगे कि तुम कितने बड़े स्टार हो एंड ये कॉन्सर्ट की पिक्चर है ना, ये मेरा फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस था, बहुत नर्वस था, पसीने छूट रहे थे कि ऑडियंस के सामने फ्रीज ना हो जाऊं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यू नो व्हाट, एवरीथिंग वेंट जस्ट फाइन। और ये वाला फोटो शूट है ना 104 बुखार में किया था, हालत खराब हो गई थी मेरी। I can never forget this photo shoot. Birthday के दिन पे। Mom and Dad को बहुत miss कर रहा था मैं। और पूरा दिन काम में कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। Wow. तुम्हें हर एक फोटो के पीछे की कहानी याद है? Of course. कैसे भूल सकता हूँ। और हर एक फोटो में अंदर से चाहे तुम जितने भी पेन में हो, ऊपर से चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है। Of course. फेक होना इतना आसान नहीं होता मैडम। दूर से देखोगे ना तो फेक भी रियल लगता है, लेकिन अगर पास आके देखोगे फेक और रियल दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा तुम्हें। वाओ, तुम्हारे पास ये भी है क्या? एक रियल स्माइल। दादी वो रोज दोपहर में गाने सुनती रहती है। दादी फिर ठीक है। Thanks. मेरा फैन नहीं होने के लिए, क्योंकि पहली बार मैं प्रिंस द स्टार नहीं एक नॉर्मल लड़के की तरह बात कर लेकिन भी मैं सर्फ पे थी।
कहाँ जा रही है? वो कल मैंने बंक किया था ना, तो आज मैं बंक नहीं कर सकती, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कल तूने बंक किया था मेरे लिए, I mean, ये चोको मिल के लिए, हाँ? नहीं, दादी के लिए। वो रोज रोज वो ये पैक करके दे देती है तुम्हारे लिए, तो अगर मैं नहीं लाऊंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा ना। बाय। शायद मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। आई नो हमारा फ्यूचर नहीं, शायद इंफैटुएशन है, शायद अपने आप ये फीलिंग्स चली जाएगी, बट मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। तुम्हारी केमिस्ट्री नजर आनी चाहिए सबको, और प्रिंस तुम्हें और आयशा को साथ देकर लड़कियां जेलस होनी चाहिए, तभी तो पब्लिसिटी होगी, राइट? प्रिंस, इवेंट्स पर मीडिया के सामने आयशा का हाथ पकड़ो, उसकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करो। तुम दोनों की केमिस्ट्री नजर आनी चाहिए सबको। भूलो मत, तुम अब सिर्फ एक इंटरनेट सेंसेशन हो, टीवी स्टार बनना है, और उसके लिए तुम्हारी इमेज वन वुमन मैन वाली रखनी है। और याद है ना हमारा वो ड्रीम, डांस रियलिटी शो, और ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे भी कल प्रोड्यूसर का फोन आने वाला, अगर सही स्टेप्स लिए ये शो तुम्हारे लिए शोबिज में और तुम्हारे ड्रीम की तरफ सबसे बड़ा स्टेप होगा। दिस इज योर बिग चांस प्रिंस। तुम अब सिर्फ एक इंटरनेट सेंसेशन है, टीवी स्टार, और उसके लिए तुम्हारी इमेज वन वुमन मैन वाली रखनी है। और याद है ना हमारा वो ड्रीम, डांस रियलिटी शो। कहाँ खोए हुए हो तुम? तुम कहाँ? पहले ये बताओ, मिलोगे मुझसे? मैं नहीं मिल सकता तुमसे, सॉरी। एक चीज करेगी, तेरे फोन में जितने भी हमारी पिक्चर्स है ना, सब डिलीट कर दे। और हाँ, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब? सॉरी। ओके फाइन, बाय। इस फेक वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था तुझे। दुनिया के सामने मुझे आयशा के साथ होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भी मेरे साथ कंट्रोवर्सी में फंस जाओगी। सिर्फ एक टाइम पास नहीं ना मैं तुम्हारे लिए, शर्म आती है तुम्हें ये बताने में कि प्रिंस एक ऑर्डिनरी लड़की को भी जानता है। दोनों इतने फ्रेंडली हो गए और मुझे बताया भी नहीं। जानती थी ना तुम क्या? यही कि मैं कितना प्यार करती हूँ प्रिंस से, फिर भी तूने बात छुपाई मुझसे कि प्रिंस और तू इतनी गहरी दोस्त थी। राधिका, यू रॉन्ग। तुम प्रिंस से प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे ऑब्सेशन है। जो भी है वो मेरा है ना, मैंने बताया कौन है वो, मैं बना ही लेती किसी भी हालत में उसको अपना। राधिका, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। हाँ, क्योंकि तुम बीच में आ गई मेरे पीठ पीछे प्रिंस के साथ, हाथों में हाथ डाल के घूम रही है मेरी बहन। और मैं बड़ी चलाक निकली, तुम दिखती कुछ और हो और मन में कुछ और। राधिका एक मिनट मेरी बात तो सुन लो प्लीज। बहन है तू मेरी, ऐसे ही सोचा था मैंने कि तू अब इधर है तो हम सगी बहनों की तरह रहेंगे, पर तू तो मुझसे कंपटीशन करने लगी।
वो भी उस लड़के के लिए जिसके बारे में मैं तुझसे हर चीज शेयर करती थी। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, समझी? राधिका एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी राधिका। क्योंकि प्रिंस अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करता है। डेस्परेट फैन, फैन ही तो है जो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट। आप लोगों को आपका जवाब। श्रीता और प्रिंस में से कौन सही था और कौन गलत, यह कहना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह सही थे। अगर कुछ गलत था तो वो सिचुएशन थी। तो यहां पर हमारी इस कहानी में श्रीनीता को यह रियलाइज हो चुका था कि उसे उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका है, लेकिन प्रिंस वॉज येट नॉट श्योर। Congratulations, you did it. Friends, एक teen sensation से household name बनने वाले हो, TV के माध्यम से घरों तक पहुंचने वाले हो, कैसा लग रहा है आपको? Friends, sorry. मैम, बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है, जो चाहा वो मुझे मिल गया, और क्या चाहिए? और इस वक्त मैं कैसे फील कर रहा हूँ ये तो मैं अभी नहीं जानता। इस मुकाम को पाने के लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। दूर से देखो फेक भी रियल, लेकिन अगर पास आ सके फेक और रियल दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। प्रिंस खुश नहीं है, सो रेडी फॉर द बिग टीवी लॉन्च। इतना बड़ा अचीवमेंट और इतना छोटा सा खुश है? खुश हूं, बहुत खुश हूं। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि क्या तुम दिल से खुश हो, क्योंकि दिल से खुश लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और दिल से खुश होने के लिए तुम्हें पता है किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे दिल के कन्विक्शन की, क्योंकि इस वक्त हमारी हंसी बहुत फेक लग रही है यार। Listen to your heart, friends. All the best. Have fun. कहीं मैं selfish तो नहीं बन रही, प्रिंस के करियर के पीछे तो नहीं आ रही हूं मैं? अच्छा हुआ तुम आ गए। आना तो था ही। कुछ कहना है मुझे तुझसे। कहना तो मुझे भी है। गलत मैं थी जो अभी तक तुम्हें गलत समझ रही थी। तुमने तो कोई मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था, तुम तो सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे। एक मैं ही थी जो इतना सेल्फिश बिहेव कर रही थी, और पता नहीं तुमसे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। आई नो
तुम ये सब कुछ जो भी कर रहे हो अपने करियर के लिए कर रहे हो, तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आना चाहती। जा रहा हूं मैं कल मुंबई। सारे सपने पूरे हो रहे हैं मेरे, खुश होना चाहिए मुझे। जो कुछ चाहा, जो सपने देखे, सब सच हो रहे हैं। पर मैं खुश नहीं हूं। बहुत इनकंप्लीट लग रहा है। जब सोचता हूं कि इनकंप्लीट क्यों लग रहा है, जवाब तुम हो। Cause I'm really missing you. बहुत अजीब है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना जानता हूं कि मैं तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जाओ यहां से, get out, जाओ। टिकट्स मेल कर दिए तुझे, तू सीधा एयरपोर्ट पहुंच और मुंबई पहुंचते ही तुझे सीधा शूटिंग पे ले जाएंगे। लेट मत करना, पहुंचेगा। हाँ जी, फोटोज ईमेल कर दिए मैंने, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे जाओ जाके पैकिंग करो, फ्लाइट है तुम्हारा। अब और नहीं होगा मुझसे। आयशा के साथ ये कपल होने का नाटक आई कांट डू इट एनीमोर। पागल हो गए हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुमने? इधर ये देख, इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर पेयर है तेरा और आयशा का। जस्ट लुक, कितने हजारों वोट्स मिले हैं तुम दोनों को। मिस्टर एंड मिस चंडीगढ़ जज करने का भी कॉल आया, और वो डांस रियलिटी शो याद है, तुम दोनों को लेने की सोच रहे हैं उसमें। इट्स गेटिंग टू मच, ये कपल होने का नाटक इज रियली गेटिंग टू मच। आखिर हो क्या गया है तुझे यार? सच्चा वाला प्यार हुआ है मुझे। Nonsense. ये प्यार व्यार के चक्कर में तुम अपने करियर के साथ खेलोगे? Look, Prince, तुम्हारे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है तुम्हारे पेरेंट्स ने, और बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में। अपनी मेहनत को मैं ऐसे पानी में वेस्ट नहीं होने दूंगा। हेलो, व्हाट? प्रिंस और श्रीनिधि का अफेयर? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आपने इंटरव्यू नहीं देखा? वो लड़की सिर्फ एक फैन थी और कुछ नहीं। यस, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नहीं कॉन्ट्रोवर्सी, ये श्रीनिता कौन है प्रिंस? शुद्ध काम। Prince, wait! हाँ, मैंने दी थी ये रिपोर्ट। मेरी बहन है वो। आती होगी वो। किसी के सपनों के बीच, सपनों के बीच नहीं आ सकती मैं। मुंबई से है वो। कैसा लग रहा है आपको आयशा की जगह लेकर? किस टाइप का रिलेशनशिप शेयर करते हैं आप प्रिंस से? श्री, श्री बोलिए, श्री बोलिए, श्री जवाब दो। आप मानती हैं कि आपका प्रिंस के साथ रिश्ता है? वो भी इतना गहरा रिश्ता? बोलिए, बस नाम नहीं लेना चाहती। क्यों? बोलो श्री, श्री जवाब दो, जवाब दो श्री, कुछ तो बोलो। बोलो श्री, बोलिए श्री, जवाब दीजिए, जवाब दो श्री, कुछ तो बोलो। अभी
क्या कहना चाहिए प्रिंस? बोलिए। सॉरी, मेरी वजह से। अगर तो किसी और के लिए आपको छोड़ दिया तो? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। झूठी जिंदगी जी रहा था, प्यार का नाटक कर रहा था आयशा के साथ, सिर्फ एक स्टार बनने के लिए, फेम पाने के लिए, टीवी सीरियल में एक रोल पाने के लिए। लेकिन अब और नहीं, कि मुझे सच्चा प्यार है। श्रीनीता नायर से। और जब किसी इंसान को सच्चा प्यार हो जाए तो क्या वो प्यार का दिखावा कर सकता है? नहीं। प्रोड्यूसर एंड क्लाइंट से कुछ कहना चाहेंगे? बोलो। मैं उनसे कहना तो कुछ नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, दिल से हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन अब है ना, पब्लिसिटी और फेम, इन चीजों के लिए मैं चीप गिमिक्स और नहीं कर सकता। मेरी इमेज क्लियर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और अगर इस वजह से वो मुझे नहीं किसी और को कास्ट करना चाहते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड, एक बोलो मुझे माफ करें। तू मुझे माफ करते हैं? देख, अगर तू भी मुझे रिजेक्ट कर देगी ना, मैं समझ जाऊंगा। अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात की गांठ जरूर बांध देता हूं, मुझे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। लव यू, रियली लव यू। है बावरी ये आशिकी, गुस्ताखी ये आशिकी, बेवफाई ये आशिकी। मुझे ये बता, सब डेट पे चलेगी? हमारी फर्स्ट रियल वाली डेट। अब मैं तुझे एक सेलिब्रिटी की तरह, लड़के की तरह ले जाना चाहता हूँ। सर, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुझे जानना चाहता हूँ, मैं पहली प्रॉमिस करना चाहता हूँ। जिंदगी में जो कुछ हो, मुझे हमेशा खुश रखो। प्रॉमिस। चलेगी? किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं, है बावरी ये आशिकी, गुस्ताख सी। आज तक प्रिंस ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ अपने करियर के लिए, अपने सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए। लेकिन पहली बार उसने पूरी मीडिया के सामने अपने दिल की बात रखी। Guess what? His popularity actually shot up? Well, ये थी हमारी आज की आशिकी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story to make you fall in love with us once again. Only on Bindaas. ये है आशिकी। I'll see you next week. Hello everybody. Well, I hope कि आपको हमारे सारे episodes बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। Aren't we making you fall in love again? Well, अगर फिर भी आपको हमारे एपिसोड्स के बारे में हमसे कुछ बात करनी है या ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी #. ये है आशिकी।